हे गाइस, तो यार मॉर्निंग का टाइम हो गया है एंड देख सकते हैं सूरज भगवान फिर से हो गए हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड डूड। अभी डायरेक्टली चल रहे हैं वहीं पे गार्डन में फिर से, तो रेडी होकर गार्डन पहुंचते हैं। रात में ना यार काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी यार, मतलब बहुत ही तगड़ी वाली बर्फीली सर्दी, तो जल्दी से रूट पर आ गए थे। अभी डायरेक्टली पहुँचते हैं गार्डन सामने। इसका नाम क्या है? जिम्मी बॉस। अरे भाई साहब, डेंजर लग रहा है भाई। जिम्मी बॉस देखो काटने के लिए आ रहा है वो बार बार। मैं तो उससे डर लग रहा है, दो बार काट चुका हूँ। एक ही है ये, देखिए जिम्मी बॉस से आपसे आपको मिलवाते हैं जिम्मी बॉस से। ओके, ये है जिम्मी बॉस। हाय। मैं नहीं मानता, अरे मतलब मुझे तो काट रहा है बार बार जिम्मी बॉस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चलो ठीक है, इसका नाम है जिम्मी। जिम्मी ठीक है, इससे मिल लो एक बार, ये हमें दो बार काट चुके भाई साहब। हे बॉय, तो गाइस बेसिकली अभी हम ऑन द वे हो गए। एंड देन अभी सब कुछ प्रोग्राम छोड़ के और पूरा कंप्लीट हो गया था, वहाँ पे विदाई दाई भी हो गई थी। तो देख सकते हैं अभी हम लोग रास्ते में बॉस। चलो पहुँचते हैं जल्दी से निवाड़ी, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर और रह गई है अभी। चलो पहुँचते हैं दूर। तो गाइस बेसिकली यहाँ से अमरूद परचेस कर लिए हैं नन्ना के लिए, और एक घुघा का मार्केट है जो कि वेजिटेबल मार्केट। यहाँ का लुक लाइक काफ़ी चेंज हो गया, पहले ऐसा नहीं था। अब तो देखो क्या है, अभी बिल्डिंग बन रही है बॉस यहाँ पे। हे व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो गाइस। तो फिर से स्वागत है प्यारे से नए ब्लॉग में। एंड डूड, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधे मेरे गाँव से। एंड गाइस देख सकते हैं पीछे हमारे गाँव वाला घर है एंड ट्रैक्टर रखा है। तो डूड अभी बेसिकली गाँव आए थे कुछ पर्सनल काम से, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, और देखते हैं आज का लाइफ साइकिल क्या ग्राउंडिंग करता है बेसिकली। एंड बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये बफेलो है यार, और इसके पीछे जस्ट है पहाड़ी जो कि काफ़ी शानदार है यार। यहाँ पे कभी ले चलेंगे हम आपको साथ में। अभी बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा काम था एंड वो काम फिनिश करना है जल्दी से, और निकलना भी है क्योंकि बाकी कोचिंग का टाइम हो जाएगा यार, क्योंकि 2:00 तक यहीं पर हो गए हैं मुझे। आप 3:00 से कोचिंग है एंड आधे घंटे में रास्ता कवर करना पड़ेगा मुझे बेसिकली वहाँ का। तो गाइस एक बोबाला जो था वहाँ पे भी बफेलो रहते थे, यहाँ पे काऊ बंधे हुए हैं देख सकते हैं आप। तो एक गांव का कुछ लुक लाइक रहता है यार अभी। और ये जो पीछे लगी है एक है बेरी, जो अभी तो इसमें कच्चे बेर हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब अगली बार आएंगे ना तो यहाँ ये सारे पकने वाले हैं। और ये सारी चीज़ों का आनंद तो आप सीधा गाँव में ही ले सकते हैं, सिटी में ऐसी चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती हैं यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के ताजे खा सकते हो आप। अभी खांसी उठ रही है बट एक ट्राई कर सकते हैं। इन बेर का आनंद लेने के लिए गांव में तो विजिट करना ही पड़ेगा। एंड डूड यहाँ के देख सकते हैं आप पीछे के साइड जो खेत दिख रहे हैं आपको, एंड अभी इनमें देखिए फसल बिल्कुल भी नहीं है, बट लेकिन इनमें अभी बीज डल गया है, और 15 से 20 दिन के बाद आपको इसमें से छोटे छोटे से पौधे देखेंगे। और जब हम लास्ट टाइम आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आएंगे सॉरी, तो आप देख लेना यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा एंड पूरे में हरियाली होने वाली है। तो गाइस बेसिकली जो गांव की लाइफ होती है वो बिल्कुल ही चेंज होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंड यहाँ की सारी चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम फ्रेश और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली हरियाली, इतने सारे पेड़ ही पेड़, और मॉर्निंग में भी काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो भाई साहब ये हमारे बटियारे हैं जो खेती बाड़ी का काम यही देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर फूलचंद। मैं नहीं मानता, इस बार काय की बोनी करी आपने? मटर। और अब इस बार मटर में घाटा भी हुआ था, फिर से मटर। तो देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे गड्डी भाई साहब साथ में लेके घूम रहे हैं, इतने सारे पैसे लेके घूम रहे हो आप। तो गाइस बेसिकली अभी हम ऑन द वे हैं रूट एंड काफी लेट हो गए गाइस, मतलब अभी 3:10 हो गए हैं ऑलरेडी। तो मैं अभी घुघा भी नहीं पहुंच पाया,
यार मतलब लाइफ में यार कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं एंड कुछ प्लानिंग नहीं रहती यार ज़िंदगी में कि कब कहाँ पे भागना पड़े। ऐसी इमरजेंसी मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैं लेट हो गया। बच्चे वहाँ पे खड़े होंगे, मुझे उसकी भी टेंशन है। गाड़ी पूरी स्पीड में, लेकिन कितना भी जल्दी भगा लूँ ना गाड़ी, लेकिन लेट तो होना ही है आज। पहले उसको लगेगा कि सर जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं यार। मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और ये 2 महीने तो समझ लीजिए आपकी, 2 महीने तो मुझे बिल्कुल आम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. लोगों का फिर से कंपटीशन था एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए। अभी बॉयज की स्टार्टिंग डायरेक्टली 2 पॉइंट से हुई थी, 2 पॉइंट बॉयज को मिल गए थे बोनस के साथ, क्योंकि गर्ल्स का जो दिया था गर्ल्स ने वो पहला ही सेंटेंस का गलत हो गया था, तो उन्हें 2 पॉइंट बोनस मिल गए थे। फिर 1 पॉइंट और इन्होंने विन किया। आज गर्ल्स की कंडीशन देखो क्या है, क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है। मतलब 4 टाइम्स इन लोगों को मौका मिला पॉइंट अर्न करने का, बस इन लोगों ने पॉइंट अर्न नहीं कर पाए। ये देखिए आप इन लोगों की, आज इन लोगों की शक्ल देख सकते हो आप लोग, रोना नहीं है ठीक है। एंड बॉयज की फेस पे देखो स्माइल, ये देखो पंगड़ू है सर हम लोग, तो देखते हैं अभी जीतता कौन है, क्योंकि कंटिन्यू है और अभी 12 मिनट और है आपके पास। जल्दी से एक सेंटेंस दो आप लोग। देखो भाई वह भीड़ भाड़ में कहाँ जा रहा है, वह भीड़ भाड़ में कहाँ जा रहा है, जल्दी से। ओके राइट नाउ फास्ट। तो अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। गर्ल्स ऑलमोस्ट लग रहा है कि गर्ल्स हारने वाली है, वो भी 3 पॉइंट। तो गाइस बेसिकली अभी अब बॉयज के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है एंड ये लोग प्रेशर में आ गए। रीजन ये है क्योंकि 3 पॉइंट गर्ल्स के हो गए हैं बराबर, ठीक है, और 3 पॉइंट बॉयज के हो गए हैं। बॉयज ने 2 बार गलती करी है लगातार, तो यहाँ को बोनस पॉइंट मिल गया है गर्ल्स को अभी। तो इस बार आपको जीतने की पूरी पूरी उम्मीद है, जल्दी से करो, 90% चांस है कि आप जीत सकते हो अभी, ठीक है, या मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो अभी जल्दी से सही से बनाना और इधर भी जल्दी से फास्ट करो, जीतोगे भाई साहब। अब तो आवाज ही नहीं निकल रही है उसकी। अंबर जीतने का प्लान है पक्का, चलो देखते हैं, चलो कोशिश करो। ये आ गए हैं संस्कार बॉस इनके। तो बेसिकली गर्ल्स ने फिर से गलती करी और 1-2 पॉइंट से हार गए हैं गर्ल्स लोग। ओके ओके फाइन, कैसा तो लूजर बन के अच्छा लग रहा है इस बार नब्बे आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट संडे अच्छी तैयारी करके आना और बॉयज को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। नहीं ऐसा तो आप संडे को आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए थी, तो उससे क्या होता है। हाँ इतने सारे बॉयज थे और गर्ल्स बेचारी 3 थी 4 थी। बाजी कभी भी पलट सकती है, तो बॉयज विनर हो गए फिर से 2 पॉइंट से वो भी। वाह वेरी गुड, आप एक्साइटेड हो जीतने के बाद? yes. लगी नहीं रहे एक्साइटेड आप एक्साइटेड हो भाई जब? तो डूड बेसिकली यार मेरा मतलब कोचिंग तो एक पीरियड तो मेरा मिस हो गया, बट एंड सेकेंड चैप्टर चल गया था मेरा, सेटिंग पीरियड मैंने ले लिया था। एंड ये भाई मुझे यहाँ पे अभी मिले हैं जस्ट, और ये निवाड़ी से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक नाम है, और जस्ट भाई का भी वीडियो एक ट्रेंड में चल रहा है, वीडियो दिखाओ शो आउट करो। मतलब इन्हें शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, काफ़ी फ़नी वीडियो, आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके चैनल पर। तो अभी मतलब ये कहते हैं ना मेहनत काम रंग लाती है लोगों की कभी ना कभी, है ना। तो अरे बेटा तू आ गया, ले तू भी ट्राई कर। अरे पापा जी डंडे से तो बूढ़े और बच्चे। तो बेसिकली एक वीडियो से भाई के 1700 सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, तो मतलब इनके लिए एक प्राउड की बात भी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप सक्सेस धीरे धीरे सक्सेस के पास तो पहुंच ही जाते हैं। तो मेरा तो डेली लाइफ स्टाइल का सिस्टम है, बट भाई का शॉर्ट का है, तो शॉर्ट का वीडियो निकलना अच्छी बात है। हे व्हाट्सअप डूड, तो यार अभी आ गया अपनी स्वीट रूम में गाइस, एंड दिस इज माय स्वीट रूम एंड गाइस ब्लॉग का दिन होता है बेसिकली इसी स्वीट रूम में। तो गाइस आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डूड, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा के। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।